गाइस दिस इज शगुन वेलकम टू स्काई ट्रैपर न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म आज हम पढ़ने वाले हैं क्या पैरेलल रेंजेस पढ़ो रहे थे लास्ट क्लास में शुरुआत की थी लास्ट क्लास में हमने हिमालयस के फीचर्स देख लिए ग्रेट हिमालयस का आज हम देखेंगे हिमाचल जिसको लेसर हिमालयस भी कहते हैं तो चलो देखते हैं क्या है लेसर हिमालयस की फीचर्स हिमाचल और लेसर हिमालयस सो दीज आर ओनली फाइव पॉइंट्स जो तुम्हें याद रखने हैं याद भी नहीं रखने पड़ेंगे बस तुम देख लो बस एक नज़र याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम्म पहला पॉइंट है वही रेंज मेनली कम्पोज ऑफ हाईली कम्प्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स इस रेंज में सबसे ज्यादा तुम ये रेंज बहुत ही हाईली कम्प्रेस्ड मतलब जो हमारे ग्रेटर हिमालयाज थे ना वो कुछ इस तरह से थे है ना और ये हाईली कम्प्रेस्ड मतलब ये इस तरह से थोड़े से ठीक है कंप्रेस्ड का मतलब होता है ना दबा हुआ एक तरफ प्रेस्ड

ये जो भी रेंज थी हमारी कलर चेंज ये जो भी रेंज थी ना हमारी ये मतलब ये ये ग्रेटर हिमालयस की थी उसके बाद जो बीच वाली रेंज आई ना ये ये किसकी है हिमाचल की है तो बोला गया है जो इनकी ज़मीन से जो हाइट है वो कितनी है फोर्टी फाइव हंड्रेड अराउंड है और विर्थ का मतलब मान लो यहां से लेकर यहां तक है तो इनको ये जो विर्थ दी गई है वो कितनी थी फिफ्टी किलोमीटर समझ गए उसके बाद जब हम इन आ, आ, आउटर हिमालयस पढ़ेंगे तो उसकी हाइट और भी कम हो जाएगी और विर्थ भी कम हो जाएगी ठीक है समझ गए यही बताया था ना मैंने तुम्हें जो एल्टीट्यूड यानी कि हाइट वेरीज बिटवीन थर्टी सेवन हंड्रेड से फोर्टी फाइव हंड्रेड मीटर्स एंड एवरेज इज फिफ्टी किलोमीटर समझ गए अब देखो कुछ रेंज है अब जैसे कि हमने हिमालयास की रेंज हिमालय की रेंज जो भी है ना वो हम तुम्हें लास्ट में बताएंगे कि कितनी रेंजेस हैं और कैसे उनको डिवाइड किया जाता है अब देखो थर्ड पॉइंट वाइल द पीर पांजल रेंज फ्रॉम द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज अब ये रेंज कहाँ पाई जाती है ये रेंज हमारे जो बीच वाले आई I मीन mean हिमाचल जिसको तुम लेसर हिमालय भी बोलते हो वहाँ पर ये कुछ रेंजेस हैं पीर पांजल धौलाधर और द महाभारत ये कुछ ये मतलब प्रसिद्ध जिनको बोलते हैं फेमस रेंजेस हैं कहाँ पर हैं ये मिडल यानी कि लेसर हिमालय या फिर हिमाचल में जिनकी हाइट जमीन से कुछ इतने मीटर्स है समझ गए फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कुछ फेमस वैलीज भी हैं कश्मीर की घाटियां जिनको बोलते हैं गए भी हो गए तुम लोग वैकेशन में घूमने कुल्लू वैली जो हिमाचल प्रदेश में है कांगरा है ना ये सारी वैलीज आपकी जब घूमने जाना तो याद रखना कि हमने जोग्राफी के चैप्टर में क्या पढ़ा था ये कश्मीर कांगड़ा वैली कुल्लू वैली ये किस मतलब किस रेंज में आती है हिमालय की जो तीन रेंजेस हमने पढ़ी थी वो किस रेंज में ये वैलीज आती हैं ठीक है नाउ लास्ट पॉइंट दिस रीज़न इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन अब भाई हिल स्टेशन तो है ही हम सब घूमने जाते हैं तो बस सिंपल से ये पांच पॉइंट्स थे इनके अलावा तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है समझ गए हिमाचल और लेसर हिमालयास देखो ये रिवर निकल रही है पहाड़ों के बीच से निकल रही है ये इन्हीं के थ्रू ना पता लगाया जाता है कि हम किस हिमालय को क्या नाम दें बीच में से नदियां निकलती है ना तो अपने अकॉर्डिंग नाम ले देते हैं कि इस रिवर से इस रिवर तक ये हिमालय पड़ता है इस रिवर से इस रिवर तक ये वरना सब एक जैसे होते, वैसे तो सब एक जैसे होते तो पता कैसे चलेगा कुछ तो डिफरेंस होगा ना नाम रखने पड़ते हैं लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कि okay. पता चला ट्रैकिंग करने गए हैं हिमालय के रेंजेस के नाम ही नहीं पता है रिवर वैलीज के नाम ही नहीं पता हु? तुम्हारी सुविधा के लिए नाम रखे हैं ताकि भटको मत जंगलों में समझ गए? सो दीज आर फाइव फीचर्स ऑफ लेसर हिमालयाज और वी कैन से हिमाचल ठीक तो बस अब एक और रेंज रह गई है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे देन उसके बाद कुछ मेजर पॉइंट्स हैं हिमालयस के बारे में जो रहेंगे वो देखेंगे देन हमारा हिमालयन माउंटेन का जो फीचर है वो ख़त्म हो जाएगा फिर हम पेनेंसुलर प्लेटो एन आगे जो भी है वो ख़त्म करेंगे ठीक तो फिर ठीक है फिर टिल देन बी हैप्पी बी सेफ एंड गुड बाय